जय श्री राम कृष्ण हरि, साईं राम जी सभी साईं भक्तों को। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, और मैं भी एकदम ठीक हूँ। मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहती हूँ, कुछ दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ पाई। किसी बहुत ही ज़रूरी खारे की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आई होप कि आप सभी ने बाबा के संदेश को मिस किया होगा, है ना? चलिए आज का संदेश, आज की वीडियो जारी रखते हैं और बाबा से भी प्रार्थना करते हैं कि बाबा, जैसे ये दो दिन मेरी लाइफ में थे, सबकी लाइफ में ऐसे दिन आए, सबके घर में खुशियाँ आए, इन दिनों में बहुत ही खास हुआ, हमारे घर में बहुत सारी खुशियाँ आई, उसके लिए बाबा का तहे दिल से धन्यवाद करती हैं और बाबा से प्रार्थना करती हैं कि बाबा, हमेशा ऐसे दिन लाते रहना हम सबके घर में। आज का साईं संदेश, मेरे बच्चे, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रभावित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ जिस तरीके से, जिस सच्चाई के साथ, जिस भाव के साथ तुम मेरी भक्ति करते हो ना, मेरी सेवा करते हो, मैं बहुत ही प्रभावित हूँ, तुमसे खुश हूँ तुमसे। और सुनो बच्चे, मुझे मालूम है कि तुम्हारी सोच कहाँ जाती है, कि तुम्हारे मित्र वहाँ तक पहुँच के जहाँ तक तुम नहीं पहुँच पाए, वह तुमसे काफ़ी आगे निकलेंगे। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, वह वक्त था, वह हालात थे, सबके कर्म अलग होते हैं, इसीलिए मेरे बच्चे वो आगे निकल गए। लेकिन जो तुम्हारे कर्म है ना, वह तुम अभी भोग रहे हो, लेकिन चिंता मत करना, जो तुम्हारे कर्म है ये अब ज़्यादा दिनों के लिए नहीं है। जैसे हर एक दिन एक जैसे नहीं रहती, कभी खुशियाँ आती हैं कभी गम आती हैं, ठीक उसी तरीके से तुम्हारा वक्त भी बदलेगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत जल्द वहाँ तक पहुँच जाओगे, या फिर मैं यूँ कहूँ कि तुम उससे भी आगे पहुँचोगे, अपने मित्रों से भी आगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी शलांग लगवा दूँगा कि तुम देखते ही रह जाओगे। तुम्हारा वक्त इतना आगे कर दूंगा कि तुम दुनिया के साथ चलने लगोगे। तुम देख लेना मेरे बच्चे, आज तुम्हें लगता है कि तुम वक्त के पीछे चल रही हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा वक्त आने वाला है, बहुत अच्छा वक्त आएगा। बस इतना करना कि अपने काम में निपुण होना, अपने काम में खिलाड़ी बनना, सबसे अच्छे खिलाड़ी, फिर देखना कि तुम्हें कौन हरा सकता है, कौन तुम्हें पीछे कर सकता है, किसी की इतनी मजाल कि तुम्हें कोई पीछे कर दे, वह भी मेरे होते हुए, तुम्हारे साईं के होते हुए। बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और सुनो, जो भी तुम्हारे घर में पशु है, पक्षी है ना, उसे ढंग से अच्छे से कपड़े पहनाना, जैसे अभी मौसम थोड़ा ठंडा हो रखा है ना, तो उन्हें भी तो ठंडी लगती है ना, उसकी देखभाल करना, कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए, और खुद को भी अच्छे से रखना, खुद का ख्याल अच्छे से रखना। जितना प्यार तुम मुझसे करती हो ना, उससे कहीं ज़्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ। जितना तुम अपने बाबा से मोहित हो, उतना मैं भी तुमसे मोहित हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने हर विपरीत परिस्थिति में भी अपने साई को कभी नहीं छोड़ा, बस यही कहा कि बाबा सब ठीक है, मेरे साई सब संभालेंगे, सब साई ठीक कर देंगे, बस यही कहते आए हो। तुमने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया है ना, कि बस उस विश्वास को देखते हुए मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा भविष्य उज्जवल किया है। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों नहीं आई, लेकिन तुमने हमेशा सबूरी दिखाई है,
है, हमेशा धैर्य रखा मेरे बच्चे, हमेशा श्रद्धा रखी, विश्वास रखा, भरोसा रखा कि बाबा है, बाबा सब संभालेंगे। वह सब संभालेंगे, जैसे पहले संभाला था वैसे आज भी संभालेंगे। बस तुम्हारे इन्हीं वचनों ने, इन्हीं बोल ने मुझे तुमसे बहुत सारी खुशी दी है और मैं तुम पर बहुत ही खुश हुआ हूँ। जहीन सुनकर मैं भी मुक्त हो जाता था कि मेरे बच्चे मुझसे कितना प्यार करते हैं, मुझसे कितना, मुझ पर कितना विश्वास रखते हैं। विश्वास इतना कि मैं फिर तुम्हारे साथ कुछ गलत कैसे हो सकता हूँ, जबकि तुमने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया है, इतना भरोसा रखा है। तुम्हारे भरोसे को टूटने कैसे दूंगा मेरे बच्चे, नहीं दे सकता। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा मैं, तुम रुक जाओ सिर्फ कुछ महीने। इस नए साल में तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां आएंगी, जैसे नया साल आएगा उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में नई खुशियां आएंगी, तुम्हारे घर में नई खुशियां आएंगी। बहुत कुछ सोच के रखा है मैंने तुम्हारे लिए, तुम बस इंतज़ार करना उस दिन का। अंदर ही अंदर मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारे रास्ते बना दूंगा, तुम्हारी रास्ते की सारी मुश्किलों को हटा दूंगा। तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां आएंगी, तुम तो मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में हो जाएंगी। तुम मेरे सबसे प्यारे भक्त हो, मांगो दिल से जो भी मांगना चाहते हो, बस मुझे बोल दो। वैसे तो मैं तुम्हारी हर बात को जानता हूँ, जो तुम्हें चाहिए मैं जानता हूँ। तुमने खुली सांस ही नहीं ले, कुछ नहीं किया ज़िंदगी में तुमने, बस तुम इसी फिक्र में रहते थे कि मेरा क्या होगा, क्या मेरे कभी अच्छे दिन आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तुमने मेहनत की है, सब्र रखा है, तो फिर अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। मैं लाऊंगा तुम्हारे अच्छे दिन। अब मैं चाहता हूँ कि तुम खुली सांस लो, इस खुले आसमान में उड़ो, जो दुनिया तुम देखती हो ना, इसे इस दुनिया में घूमो फिरो। तुम आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, लोगों से मिलो, देखो दुनिया कैसी है, कैसी रंग बिरंगी दुनिया है। क्योंकि तुम जिस कार चार कोने में रही हो ना, तुम्हें समझ ही नहीं आया, उस घर में जितने भी चार लोग थे बस तुम वैसा ही कर लिया करते थे। एकदम तुम्हारा दिमाग स्थिर हो चुका है, तुम ना उन लोगों से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए, उस सोच से कभी आगे नहीं बढ़ पाए। या फिर मैं यही कह दूं कि तुम लोगों ने तुम्हारी सोच को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे, वो भी तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहते थे। पता है तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी कितनी फिक्र करते थे, अभी भी करते हैं, बस तुम समझ नहीं पाई। अब उनकी बातों को समझो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम और तुम्हारा परिवार ढेर सारी खुशियां मनाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम आगे भी बढ़ोगे, अपने दोस्तों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल भी सकोगे। तुम्हारी ज़िंदगी अब वैसी ज़िंदगी नहीं रहेगी जैसे पहले थी, अब तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव होंगे। ऐसे ऐसे बदलाव होंगे ना कि तुम बहुत आगे जाओगे। अपनी ज़िंदगी जियो, बस अच्छे तरीके से जियो। मैं और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बच्चे, सदा खुश रहो। मैं तुम्हारा साईं।